मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त 29 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होल्डर मेमोरी एंड कैलकुलेटर किंग डॉक्टर हिम्मत भारद्वाज। साथियों कैसे हो आप सब? मेरी हर वीडियो को लाइक करने के लिए, उस पर कमेंट करने के लिए और उसको इतना ज़्यादा शेयर करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। साथियों अभी मैं एक रोड के पास में हूं जिसमें काफ़ी सारा ट्रैफिक, काफ़ी सारी गाड़ियाँ जा रही हैं। तो जब मैंने इस रोड को और इस ट्रैफिक को ध्यान से ऑब्जर्व किया तो मुझे काफ़ी लर्निंग मिली और वही लर्निंग इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है क्योंकि बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं जो आपकी लाइफ में काफ़ी काम आने वाला है। तो मान लीजिए एक छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं, आपको गुड़गांव जाना है। एक छोटी सी जर्नी का एग्जांपल लिया हमने, आपको कहाँ जाना है? आपको गुड़गांव जाना है। तो सबसे पहला टास्क क्या होता है? अब जो जो बातें मैं आपको बताता जाऊँ उसको आपको अपनी लाइफ से रिलेट करते हुए चलना है, ठीक है? आपको गुड़गांव जाना है, तो जब आप गुड़गांव जाते हैं तो उसके लिए क्या क्या तैयारियां होती हैं? सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप आपका क्या होता है? आप या तो आप अपनी बाइक को या आप अपनी कार को क्या करते हैं? रेडी करते हैं, है ना? और जैसे ही आप अपनी कार में बैठते हैं, कार में बैठते ही मैंने मोर देन 90% लोगों को देखा है कि वो एक छोटी सी प्रे जरूर करते हैं, है ना, उस जर्नी पे जाने से पहले। लाइफ भी तो एक जर्नी है और एक बहुत बड़ी जर्नी है। क्या आप डेली एक छोटी सी प्रे करते हैं कि आपको कहाँ जाना है और कैसे जाना है? भगवान से प्रे करते हैं कि मैं अच्छे से उस जर्नी को कंप्लीट करूं। तो पहला स्टेप यही है कि जब भी आपका दिन शुरू हो, जब भी आप अपने डेस्टिनेशन पे निकलें, आपको क्या करनी है? एक छोटी सी प्रे करनी। दूसरी चीज़ जो मुझे सीखने को मिली कि जैसे ही आप कार की चाबी कार में डालते हैं और कार को स्टार्ट करते हैं तो आप चेक करते हैं कि कार बिल्कुल अच्छे से तैयार तो है ना, बिल्कुल अच्छे से तैयार होगी, तभी तो आप उस जर्नी पे, उस डेस्टिनेशन पे, उस एम पे टाइम से पहुंच पाएंगे। तो वही चीज़ अगर आप लाइफ से एसोसिएट करेंगे, क्या किसी भी बड़े डेस्टिनेशन पे जाने से पहले, कुछ भी बड़ा एम अचीव करने से पहले कभी आपने अपने शरीर पे ध्यान दिया? क्योंकि इसी शरीर से, इसी बॉडी से, यही बॉडी तो आपको उस डेस्टिनेशन पे लेके जाएगी। मान लीजिए आपकी कार खराब है, आप कैसे पहुंचेंगे वहां पे? आपका शरीर खराब है, आपकी बॉडी खराब है, आप कैसे जाएंगे? और जाएंगे तो पहुंच भी गए तो बेनिफिट क्या उसका? अब तीसरी बात पे आते हैं। आपको गुड़गांव जाना है तो बिल्कुल आप टू द पॉइंट होते, स्पेसिफिक होते, क्रिस्टल क्लियर होता आपका विजन कि मुझे गुड़गांव ही जाना है। लेकिन जब लाइफ की बात करते हैं तो आपको IAS भी बनना है, आपको इंजीनियर भी बनना है, आपको डॉक्टर भी बनना है, आप इतने सारे एम बना लेते हैं, अपनी एनर्जी को इतना सारा डाइवर्ट कर लेते हैं, पता नहीं आपको क्या क्या बनना होता है। लेकिन जब आपको एक छोटी सी भी जर्नी करनी है, बड़ी जर्नी की बात नहीं कर रहा, छोटी भी जर्नी करते हैं, आप इतने स्पेसिफिक हैं, गुड़गांव जाना तो गुड़गांव जाना है। तो अगर आप अपने लाइफ में स्पेसिफिक हो जाएं, आप अपने गोल को सेट कर लें कि मुझे लाइफ में यही करना है, बिल्कुल टू द पॉइंट, बिल्कुल स्पेसिफिक, क्रिस्टल क्लियर हो आपका विजन कि मुझे लाइफ में सिर्फ यही बनना है, चाहे आपको UPSC क्लियर करना है या आपको बैंकिंग में जाना है या आपको एक्टिंग करनी है, आपको यूट्यूबर बनना है, जो भी बनना है बिल्कुल स्पेसिफिक बनना है, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट लर्निंग है वो ये है कि जब भी आप उस जर्नी पे जाते हैं, मान लीजिए आप गुड़गांव ही जा रहे थे, तो आपको पाथ का बिल्कुल अच्छे से पता होता है, उस रास्ते का पता होता है कि गुड़गांव मुझे किस रास्ते से जाना है और कैसे जाना है। और अगर नहीं पता होता तो आप क्या करते हैं, उस रास्ते पे जो लोग चल रहे हैं आप उनसे गाइडेंस लेते हैं कि कैसे कैसे ये रास्ता जाएगा और आप पहुंच जाते हैं। लाइफ में भी आपको यही करना है, जब आपका विजन क्रिस्टल क्लियर हो जाए तो गाइडेंस लेने के लिए आपको अपनी दादी के पास, नानी के पास या उन लोगों के पास नहीं जाना जो उस रास्ते पे चले ही नहीं, बल्कि आपको गाइड वही कर पाएगा जो उस रास्ते पे चला है और सक्सेसफुल हुआ है। क्योंकि अगर आप फेलियर से पूछेंगे तो आपको वो ये बताएगा कि आप इसमें कैसे फेल हो सकते हैं। तो आपको किससे गाइडेंस लेनी है? उसी पाथ पे, उसी रास्ते पे चलने वाले सक्सेसफुल इंसान से, या तो उनके वीडियोज देख लीजिए या उनके बुक्स देख लीजिए या पर्सनल उनसे पूछ लीजिए। नेक्स्ट लर्निंग जो मुझे इसी रास्ते से मिली वो ये मिली कि ठीक है, हमारा विजन क्लियर, हमें गुड़गांव जाना है, इस पाथ से जाना है, उसके बाद होता है हम क्या करते हैं, हम चलना शुरू करते हैं। जैसे ही गाड़ी आगे जाती है तो क्या हमारे मन में कोई डर होता है, डाउट होता है कि पता नहीं मैं गुड़गांव पहुंचूंगा या नहीं? कोई भी डर नहीं होता, कोई भी डाउट नहीं होता, आप गाड़ी को चलाते हुए ले जाते हैं। लेकिन जब आप लाइफ की बात करते हैं, आपने करियर को डिसाइड कर लिया, आपको
आपने पूरी प्लानिंग कर ली, वो पाथ बिल्कुल अच्छे से गाइडेंस भी ले ली, लेकिन उसके बाद भी एक हेजिटेशन होता है, एक डाउट होता है, पता नहीं मैं पहुंचूंगा या नहीं, वो टारगेट मुझे मिलेगा या नहीं। यही जो डाउट है आपकी एनर्जी को कम कर देता है, आपके कॉन्फिडेंस को कम कर देता है, आपके साहस को कम कर देता है। आपको ऐसा नहीं करना, बल्कि चलते रहना, अपनी मस्ती में चलते रहना है, ठीक है। नेक्स्ट लर्निंग, जब आप उस पाथ पे जाते हैं तो एकदम जंप नहीं करते। गुड़गांव भी अगर आपको जाना है तो उसमें टाइम लगता है, टाइम लगता है ना, पेशेंस लगता है ना। अगर ऐसा नहीं है कि आप जंप किया और आप गुड़गांव पहुंच गए, तो ठीक ऐसे ही लाइफ में जो भी, जितना भी बड़ा आपका एम है, जितना भी बड़ा आपका डेस्टिनेशन है, जो भी आपका गोल है, विजन है, उसमें आपको जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो है पेशेंस, ठीक है। जितना बड़ा एम होगा उतना ही ज़्यादा टाइम लगने वाला है, और अगर उस टाइम को देने के लिए आप तैयार हैं तब तो सही है। और लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं फटाफट या कोई शॉर्टकट ऐसा मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं। जब एक जर्नी पे आप जाते हैं तो आपका फोकस कहाँ होता है, क्या आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर की देखते हैं या पास्ट की देखते हैं? ना तो आप पीछे देखते हैं, ना ही आप बहुत ज़्यादा आगे देखते हैं। आपका काम होता है जो बिल्कुल प्रेजेंट है उस पे चलना है ना, एक एक कदम। तो ठीक ऐसे ही लाइफ में भी आपको एक एक कदम चलना, एक एक कदम, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आपको बहुत आगे नहीं देखना, बस अपनी मस्ती में आपको चलते हुए जाना, चलते हुए जाना है। तो इस जर्नी से मैंने काफ़ी कुछ सीखा कि विजन क्लियर हो, उस पाथ पे कैसे जाना है ये क्लियर हो, और सबसे बड़ी बात, जब भी आप किसी जर्नी पे जाते हैं एक टाइम डिसाइड होता है, एक फिक्स टाइम होता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे आपको पहुंचना होता है। जब आप टारगेट बनाते हैं तब भी आपको क्या करना चाहिए, एक फिक्स टाइम कि मुझे इतने साल में इस टारगेट को अचीव करना है। क्योंकि अगर आपने उसको बाद में अचीव किया तो बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको गुड़गांव भी पहुंचना है तो आप एक फिक्स टाइमिंग, मुझे 10 बजे पहुंचना है या मुझे 11 बजे पहुंचना, आप उसी टाइम पे पहुंचते हैं। अगर आप लेट हो गए तो बहुत कुछ आप मिस कर जाते हैं। जिन लोगों के लिए आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो अगर आपने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया तो हो सकता है जब आप उस एम को अचीव करें वो आपके पास ही ना हो, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो बिल्कुल प्रैक्टिकल हैं, तो मुझे लगता है कि आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। साथियों देखिए, और भी बहुत कुछ, जब आप ध्यान से बैठेंगे और एक जर्नी को लेंगे, उस जर्नी से इतनी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली, ध्यान से उसको ऑब्जर्व कीजिएगा। आज बैठिएगा, पेन लीजिएगा, पेपर लीजिएगा, एक एक पॉइंट को लिखना है, और अगर ने उसी को अगर आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दिया तो सच बताता हूँ आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप लाइफ को ऑब्जर्व करना शुरू करो, है ना, चीज़ों को देखकर उनसे सीखना शुरू करो, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।